गैलन लिचफील्ड अपने जीवन की एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि यह 1942 की बात थी जब मैं चीन में एशिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर था। उन दिनों चीन में जापानी सेना घुस आई थी और एक जापानी एडमिरल को मेरे पास भेजा गया और मुझे आदेश दिया गया कि मैं कंपनी की सारी संपत्तियों का हिसाब तैयार करने में उसकी मदद करूँ। मेरे पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अगर मदद नहीं की इसका मतलब था सीधे सीधे मौत की सजा। तो जो भी मुझे कहा गया मैं मन मार कर वह करता रहा, क्योंकि मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था। परंतु मैंने एडमिरल को जो डिटेल दिया उसमें 7.5 लाख डॉलर की सिक्योरिटीज का डिटेल नहीं दिया। मैंने उन सिक्योरिटीज का डिटेल इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वह हांगकॉन्ग ऑफिस की थी, जहाँ मैं काम करता था शंघाई, वहाँ से उसका कुछ लेना देना नहीं था। बट फिर भी मुझे डर था कि अगर जापानियों को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, उन्हें जल्दी ही पता चल गया। जब उन्हें यह पता चला तो मैं उस समय ऑफिस में नहीं था, परंतु मेरा मुख्य अकाउंटेंट वहीं था और उसने मुझे बताया कि जापानी एडमिरल गुस्से में बहुत आग बबूला हो गया था और पैर पटकते हुए गाली देते हुए मुझे चोर और धोखेबाज कह रहा था। मैंने जापानी सेना के ऑर्डर्स की अवहेलना की थी, उनको नहीं माना था। अब मैं जानता था कि इसका मतलब क्या था। मुझे इनके बहुत भयंकर टॉर्चर हाउस में फेंक दिया जाएगा। जापानियों का टॉर्चर हाउस, मतलब मेरे दोस्तों ने बताया था कि उससे अच्छा सुसाइड करने का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा था। जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तब से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि मैं अब क्या करूं। एक आदत मेरी बहुत अच्छी है, वह है लिखने की। तो जब भी मैं कभी चिंतित होता हूं तो मैं अपने टाइपराइटर के पास जाता हूं और वहां पे 2 सवाल लिखता हूं और साथ में उनका जवाब भी लिखता हूं। उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया। मैंने मेरा पहला सवाल टाइप किया, मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ, और उसका आंसर लिखा कि मुझे डर है कि कल सुबह मुझे टॉर्चर हाउस में भेज दिया जाएगा। फिर मैंने दूसरा सवाल लिखा, क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ। मैंने घंटों तक विचार किया और 4 ऑप्शंस लिखे जो मुझे लगता था कि मुझे करने चाहिए। पहला ऑप्शन, मैं जापानी एडमिरल के सामने अपनी पूरी बात स्पष्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि एडमिरल को इंग्लिश नहीं आती है और मुझे जापानी नहीं आती है, और अगर किसी ट्रांसलेटर को बीच में रखा जाए तो बात बिगड़ने के चांसेस हैं। दूसरा, मैं भागने की कोशिश कर सकता हूँ, बट ये असंभव है क्योंकि मुझ पर पूरी निगरानी रखी जा रही होगी, और अगर मैंने भागने की कोशिश की तो शायद मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे गोली मार दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन जो मैंने टाइप किया वह यह था कि मैं यह कर सकता हूँ कि मैं अपने कमरे में ही रहूँ और दोबारा ऑफिस के आसपास भटकूं भी नहीं, परंतु ऐसा करूंगा तो जापानी एडमिरल को शक हो जाएगा और मुझे पकड़ने के लिए सिपाही जरूर भेजेगा और फिर से वही, मुझे टॉर्चर हाउस में फिकवा दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन जो मैंने टाइप किया वह यह था कि मैं रोज की तरह अपने ऑफिस जाता हूँ कल भी और ऐसे एक्टिंग करता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये 4 ऑप्शन लिखने के बाद मैंने बार बार ये 4 ऑप्शन पढ़े और इसमें से मुझे ये जो 4th ऑप्शन था ये सबसे बेस्ट लगा। तो इसीलिए मैं अगली सुबह ऑफिस में गया। वहाँ पे मैंने देखा एडमिरल बैठा हुआ है और उसने मुझे देखते ही हमेशा की तरह घूरा, लेकिन कहा कुछ नहीं और मैं मेरे काम में बिजी हो गया। 6 सप्ताह बाद एडमिरल का ट्रांसफ़र हो गया और मेरी सारी चिंताएँ ख़त्म हो गई। अगर मैंने उस रात वह टाइपराइटर निकाल के अपनी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन लिखे नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, यह एक रियल स्टोरी है जो मैंने आपको वर्ल्ड फेमस राइटर डेल कार्नेगी द्वारा लिखित बुक चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से आपको बताई है। यह पूरी बुक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के बहुत सारे उपाय और रियल एग्जाम्पल से भरी हुई है।
इससे पहले कि हम आगे के टिप्स सुनने में बिजी हो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आपके लाइफ के हर फील्ड से रिलेटेड यूजफुल जानकारी हमारे चैनल पर ईजिली मिल जाए। चलिए देखते हैं कि ऑथर हमको चिंता छोड़ने के और सुख से जीने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस बताते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सॉल्यूशंस हमारे लिए यहाँ पे ऑथर ने बताया है वो वही है जो अभी हम लोगों ने स्टोरी में देखा, कि हम लोगों को स्पष्ट रूप से लिख लेना है कि हम किस बारे में चिंता कर रहे हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस लिख लेने हैं। सॉल्यूशंस लिखने के बाद में तुरंत डिसाइड कर लें कि इन सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन आपको क्या लग रहा है और उसके बाद तुरंत उस पर अमल करने में जुट जाएं। यह तरीका इतना बढ़िया क्यों है? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और क्लियर है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यह जो सॉल्यूशन है यह प्रॉब्लम के रूट तक, जड़ तक भी जाता है, और इससे भी बड़ी बात है कि इसके अंत में जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे तब तक हमारी प्लानिंग का या हमने जो भी उसके बारे में सोचा था उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके अतिरिक्त ऑथर हमको हमारी लाइफ से चिंता टेंशन को दूर करने के लिए कुछ और सॉल्यूशंस बताते हैं, जिसमें से पहला है बिजी रहना। जो भी काम आप अभी कर रहे हो, चाहे वह जॉब हो पढ़ाई हो, उसमें पूरी तरीके से बिजी हो जाएं, साथ ही साथ कुछ नया सीखते रहें ताकि आपको चिंता करने का टाइम ही ना मिले। सेकेंड सॉल्यूशंस, जो भी सिचुएशंस आपके सामने है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है, वह आज की रियलिटी है। सबसे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना सीखना है और फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। थर्ड सॉल्यूशंस, मैं जो भी चिंता अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह मेरी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है और मैं इसे कितने दिनों तक समय दूंगा, यह एक डेट डिसाइड कर लें ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेंशन में ना बीत जाए। फोर्थ सॉल्यूशन, चिंता के समय भी खुशी हैप्पीनेस के बारे में सोचने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो खुश रहने की एक्टिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। अगर आप खुश होने की एक्टिंग करेंगे तो उस समय आप दुखी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन, अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश ना करें। उनको नुकसान पहुंचे ना पहुंचे आप हर समय खुद को जलाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अगला सॉल्यूशंस जो ऑथर बताते हैं वह यह है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं यह सोचने के बदले ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए, अच्छी चीज़ें काउंट कीजिए। आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, यह एक ज़बरदस्त टेक्निक है, क्योंकि इसके बिना, इसकी प्रैक्टिस के बिना हम कभी यह गौर ही नहीं कर पाते हैं कि क्या क्या हमको जीवन में अच्छा भी मिला हुआ है। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिली हुई हैं। आपको मिले आँख, कान, नाक, हाथ, पैर। कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सब नहीं मिला हुआ है। रोज अपने भोजन के प्रति भगवान को धन्यवाद कहिए, क्योंकि लाखों लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं। यह प्रैक्टिस रोज करने से आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आप सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए टेंशन ले रहे थे। नेक्स्ट सॉल्यूशन, जब किस्मत आपके हाथ में नींबू थमा दे तो आप नींबू शरबत बना लो। मतलब जब आपके जीवन में बुरी परिस्थिति, कठिन सिचुएशंस आती हैं तो सिर्फ एक चीज पर फोकस करो कि उसको, उस प्रॉब्लम को आप एक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, यह संभव है। आप अपने जीवन की हर बड़ी बुरी परिस्थिति को अपने जीवन की सबसे बड़ी संभावनाओं में बदल सकते हैं। कुछ लोग अपनी आलोचनाओं से, अपनी बुराइयों से बड़ा परेशान रहते हैं। इस बारे में ऑथर कहते हैं कि जो आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में सोच कर अपने को परेशान मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि वह जिनको बोल रहे हैं उनके पास में इतना समय ही नहीं है कि वह आपके बारे में सोचती रहें। सबके लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। जिस समय आप ये सोचकर टेंशन में रहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, उस समय वो आपके बारे में नहीं, वो अपने बारे में सोच रहा होता है, जैसे कि आप अभी अपने बारे में सोच रहे हैं।
इसे अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देखिए कि जब कभी आपको किसी और के लाइफ के किसी कांड, किसी अफेयर, किसी झगड़े के बारे में पता चलता है, आप उसके बारे में सुनते हैं, तो आप कितना देर उनके बारे में सोचते हैं। और अगला सॉल्यूशन जो ऑथर हमको बताते हैं वह है प्रार्थना। चिंता मुक्त रहने और सुख शांति से जीने के लिए अपने आप को उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दें जिसने आपको बनाया है, जो यह सृष्टि या पृथ्वी चला रहा है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट ढंग से चला रहा है। दोस्तों, हर जगह हमेशा दिमाग और लॉजिक यूज़ करने के बदले अपने अंदर आस्था की भावना विकसित कीजिए। प्रार्थना, आस्था से जीवन में चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। चमत्कार हो न हो, आप चिंता मुक्त होकर शांत जीवन जरूर जिएंगे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ यह सब चीज़ें बोलने सुनने में जितनी ईजी लगती हैं, हकीकत में अप्लाई करते समय हम ये सब कर ही नहीं पाते हैं। बट अगर हमको चिंता मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ बितानी है तो हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। थॉट लेवल पर भी खुद को डेवलप करना पड़ेगा और एक्शन लेवल पर भी काम करना ही पड़ेगा। इसको आप डिफ़िकल्ट है यह सोचने के बदले अगर इस तरह समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें एफर्ट नहीं देना पड़ता है। खाना बनाने के लिए एफर्ट लेना पड़ता है, ऑफिस के काम के लिए एफर्ट लेना पड़ता है, घर के लिए एफर्ट लेना पड़ता है, हर चीज़ के लिए हमको एफर्ट लेना ही पड़ता है। तो फिर ऐसे ही आप हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको एफर्ट लेने पड़ेंगे। इसीलिए इस बुक में जो भी सॉल्यूशंस ऑथर द्वारा बताए गए हैं, आपको उसमें से अपने हिसाब से जो भी इजी लगता है वो ज़रूर अपनाइए। अगर आपको यह बुक और थोड़ा डिटेल में सुननी है तो इसी चैनल पर वह भी अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर आप यह बुक परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो बोलती किताबें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक और एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।